नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके। आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज डीएसके टॉक्स की सीधी बात में हम कवर करेंगे कंगना रनावत वर्सेस बॉलीवुड माफिया का मुद्दा। कल रात मैंने एक इंटरव्यू देखा जहां पर कि कंगना रनावत ने अपने मन की बात मीडिया के सामने रख दी कि मणिकर्णिका यानी झांसी की रानी ये जो फिल्म है, इसकी सक्सेस बॉलीवुड माफिया या बॉलीवुड के जो तमाम सो कॉल्ड लॉबी वाले लिबरल्स हैं, उन्हें मणिकर्णिका यानी कंगना रनावत की लीड रोल वाली ये फिल्म, इसकी सक्सेस किसी भी कीमत पर हजम नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। बॉलीवुड माफिया को लूज मोशंस लग चुके हैं मणिकर्णिका की सक्सेस से। कल कंगना रनावत ने भर भर के अपने मन की बात रख दी, जिसको कई लोग भड़ास की संज्ञा देंगे, लेकिन कंगना रनावत ने जो बोला है वो बिंदास बेबाक एक बात रखी है कि झांसी की रानी क्या मेरी चच्ची थी या मेरी फैमिली को बिलोंग करती थी? झांसी की रानी तो पूरे देश के लिए एक लेजेंड है, एक देश का मान है, अभिमान है। तो बॉलीवुड के माफिया को ऐसी क्या एलर्जी थी कि बॉलीवुड के माफिया ने इस फिल्म का प्रमोशन करना तो दूर, इस फिल्म का नाम तक नहीं लिया। बॉलीवुड के ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म का कभी कहीं जिक्र तक नहीं किया, जबकि वो ऊट पटांग थर्ड क्लास फिल्मों का भर भर कर प्रमोशन करते हैं। एक्टर्स तो ठीक है, छोटे से प्यादे होते हैं, छोटे से मौरे होते हैं, बॉलीवुड माफिया को कंट्रोल कौन करता है? कंगना रनावत तो कह ही चुकी हैं कि करण जौहर इज द माफिया ऑफ बॉलीवुड। जब कंगना रनावत ने रंगून फिल्म के प्रमोशन के लिए कॉफी विद करण में सैफ अली खान के साथ शिरकत की थी, कंगना रनावत ने करण जौहर के मुंह पर ही कह दिया था कि भाई तुम नेपोटिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो, तुम बॉलीवुड के माफिया हो। और ये बात 100 नहीं बल्कि 500, 1000, 10000, 20000% सही है कि नेपोटिज्म को, वंशवाद को, अपने फेवरेट दोस्तों के बच्चों को, बच्चियों को बॉलीवुड में लॉन्च करने का एक जरिया बन चुके हैं करण जौहर, और वो इस काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। करण जौहर की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो जरा करण जौहर की कुछ आपको ट्वीट स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, इन्होंने नमस्ते इंग्लैंड जैसी क्रैप पिक्चर को, व्हाट अ फन मैन, व्हाट अ ब्रिलियंट मूवी, और यू नो ऐसी क्रैप फिल्म को प्रमोट किया। वरुण धवन, आलिया भट्ट तो खैर इनके घर के ही हैं, वरुण धवन की आने वाली फिल्म स्ट्रीट डांसर का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ, वाओ क्या बात, जबरदस्त। या फिर कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की लुका छुपी का ट्रेलर इन्हें बहुत अच्छा लगा। करण जौहर का पूरा ट्विटर हैंडल मैंने छान मारा, इन्होंने मणिकर्णिका का नाम तक नहीं लिया। सिर्फ करण जौहर ही नहीं, मैंने वरुण धवन और आलिया भट्ट के भी ट्विटर हैंडल सर्च कर मारे, उन्होंने मणिकर्णिका का जिक्र तक नहीं किया। तो ये बॉलीवुड की जो लॉबी है, ये बहुत दुनिया भर की बातें करती है, लेकिन मणिकर्णिका इस फिल्म के नाम से इन्हें बहुत ज्यादा एलर्जी थी। क्यों? क्योंकि कॉफी विद करण में करण जौहर के फेस पर कंगना रनावत ने एक जबरदस्त पंच दिया था, जिसकी वजह से बॉलीवुड की पूरी लॉबी नाराज हो चुकी है कंगना रनावत से। बॉलीवुड में क्या होता है कि आपको काम तब मिलता है जब आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर रहो। इट्स लाइक यू स्क्रैच माय एस, I will scratch your ass. तुम मेरी जरूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। यहां पर एक जो रीढ़ की हड्डी वाले जो लोग होते हैं ना, जिनमें गट्स होता है, जो अपनी बात डंके की चोट पर रख सकते हैं, ऐसे लोगों की यहाँ कद्र बिल्कुल नहीं होती है। तो बॉलीवुड ऐसे लोगों का कट्टर दुश्मन बन जाता है। बॉलीवुड में कंगना रनावत को नीचा दिखाने के लिए हर संभव कोशिशें की गई हैं। अब मणिकर्णिका जो फिल्म है अच्छी खासी चल रही है, इस फिल्म की सक्सेस कई लोगों को हजम नहीं हुई, तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर फिल्म के डायरेक्टर क्रिश, जिन्होंने की हिंदी में बनाई थी गब्बर इज बैक, हालांकि वो गब्बर इज बैक जो थी वो एआर मुरुगदोस की रमन्ना का रीमेक थी। और ये एआर मुरुगदोस कौन है आपको तो पता ही हुआ, गजनी वाले, अरे मतलब ये गजनी नहीं, ये तो खिजरी थे, गजनी ये आमिर वाले। तो ये मुरुगदोस का सिनेमा वैसे भी काफी इंटरेस्टिंग होता है, तो मुरुगदोस की पिक्चर को हिंदी में रीमेक किया था क्रिश ने गब्बर इज बैक के नाम से। नो डाउट पिक्चर काफी अच्छी थी, पिक्चर में अक्षय ने काफी अच्छा काम किया था। हिंदी में एक पिक्चर बनाई थी क्रिश ने, इसके अलावा उन्होंने सारी साउथ की फिल्में की थी। तो बॉलीवुड के लिए क्रिश कोई बहुत बड़ा नाम तो कभी नहीं थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जब मणिकर्णिका को अच्छी ओपनिंग मिल गई, सडनली क्रिश साहब ने आकर एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने कहा कि मैं पिक्चर का डायरेक्टर हूं, मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। मतलब क्रेडिट दिया गया लेकिन मुझसे ज्यादा क्रेडिट कंगना रनावत लेके चले गई, जबकि फिल्म का डायरेक्टर तो मैं हूं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रखे जहां पर उन्होंने साबित किया कि कंगना रनावत जो है वो क्रेडिट की फुटेज की भूखी है। अब ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, इसके बारे में एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन एक बात जो पूरी तरह से सच है, रिलीज के बाद जब उन्हें पता चला कि फिल्म को बंपर ओपनिंग मिली है और फिल्म अच्छे से 100-150 करोड़ क्रॉस कर लेगी, सडनली पिक्चर का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने के तुरंत बाद
ये आकर अपना इंटरव्यू देते हैं कि कंगना ने मेरा क्रेडिट छीन लिया। ये कुछ और नहीं था, ये मेरे नजरिए में थी एक सोची समझी प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी। फिल्म के लिए जो एक पॉजिटिव इमेज बनी थी, उस इमेज को नीचे कैसे गिराया जाए, फिल्म का जो बस बना हुआ है, कलेक्शन अच्छा हो रहा है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे डाला जाए, ये एक पूरी स्ट्रेटजी के तहत क्रिश साहब नींद से उठकर आए और इंटरव्यू दे डाला कि कंगना रनावत ने मेरा डायरेक्शन का क्रेडिट मुझसे छीन लिया। एक दो सीन में अपना इनपुट देकर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, ये कहना है क्रिश साहब। तो मेरा एक ही सवाल है क्रिश साहब से कि फिल्म बनती है एक पूरा टीम वर्क से, अगर आप उस टीम के लीडर हैं, मुखिया हैं, तो आपको तो ये सारी चीजें पहले से ही पता होंगी है। एंड सेकेंड बात, अगर ये कॉन्ट्रोवर्सी थी तो आपको फिल्म के रिलीज होने के पहले ही बोलना चाहिए था ना, आप पहले क्यों नहीं बोले? आप पहले इसलिए नहीं बोले क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी करूंगा तो पिक्चर को और ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। पिक्चर की रिलीज के बाद आप ये कॉन्ट्रोवर्सी लेके आए, इसका एक ही मुद्दा बनता है, इसका एक ही रीजन बनता है कि आपको इस पिक्चर का जो अच्छा खासा इमेज बना हुआ है उसको कैसे भी करके नीचे गिराना है। इस एक प्री प्लान स्ट्रेटजी के तहत आप पिक्चर रिलीज होने का वेट कर रहे थे, कलेक्शन अच्छा हो उसके बाद आप ये कॉन्ट्रोवर्सी करें, अदरवाइज इतना आप हर्ट थे तो आपको रिलीज होने के पहले ही बोलना था। क्योंकि जनरली क्या होता है दोस्तों, फिल्म जब रिलीज होती है इसके पहले कास्ट एंड क्रू की स्क्रीनिंग्स होती हैं, कुछ क्रिटिक्स को फिल्म दिखाई जाती है, तो वहां पर अगर डायरेक्टर साहब को ये चीज देखने को नहीं मिली, या मान लीजिए उन्हें स्क्रीनिंग में नहीं बुलाया गया, तो उनके दोस्त यार भाई भतीजे बंधु यार मित्र मिलने वाले कोई तो गए होंगे, उन्होंने तो बताया होगा ना कि भाई कंगना रनावत का नाम आपके नाम के आगे बहुत बड़े लेटर्स में आ रहा है, एज ए डायरेक्टर आपका नाम बहुत छोटे से अक्षरों में आ रहा है, तो ये चीज तो आपको रिलीज के पहले ही पता होगी। अब आप इतने भोले भाले तो हैं नहीं कि इंडस्ट्री में कोई आपका जान पहचान वाला या दोस्त यार नहीं है, या इतने सारे क्रिटिक्स जर्नलिस्ट जब पेड स्क्रीनिंग देखते हैं तो आपको किसी ने फोन करके बताया नहीं होगा कि यार आपका नाम तो पहले ही आ गया, कंगना रनावत का नाम लास्ट में आता है एकदम बड़े लेटर्स के साथ, डायरेक्टेड बाय कंगना रनावत, तो ये चीज तो आपको पहले से ही पता होगी। आप फिल्म के रिलीज होने का वेट इसीलिए कर रहे थे ताकि फिल्म को नीचे गिराया जा सके, और ये कुछ और नहीं था बल्कि बॉलीवुड की एक जलन भावना थी कि कंगना रनावत जो कि बॉलीवुड माफिया से सीधे सीधे टक्कर ले रही है, वो अकेली लीड स्टार है इस फिल्म की, बाकी तो सारे सपोर्टिंग कास्ट हैं, ज्यादातर किरदार ऐसे हैं जो हम कई सालों से देख रहे हैं, लाइक डेनी, सुरेश ओबेरॉय, कुलभूषण खरबंदा, या फिर नए नवेले चेहरे लाइक अंकिता लोखंडे। इन सबके होने के बावजूद कंगना रनावत ने अपने बूते ये फिल्म हिट कैसे करा दी, वो भी तब जबकि अच्छे अच्छे खांस अच्छे अच्छे कपूर्स की कोई फिल्म हिट नहीं हो रही है, फिल्म औंधे मुंह गिर रही है। तो कंगना रनावत का स्टारडम, उनका बढ़ता हुआ कद बॉलीवुड माफिया को जो है वो रास नहीं आ रहा है, बॉलीवुड वालों के गुर्दे छिल गए हैं कि हम इसका प्रमोशन नहीं करते, हम इसका कहीं जिक्र नहीं करते, ये कुछ भी बोल देती है, इसको हम बॉयकॉट कर रहे हैं, इसके बाद भी पब्लिक इसकी फिल्म देख रही है, तो इसकी फिल्म की इमेज को मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, इसलिए उन्होंने क्रिश को एक मोहरा बना दिया है। सो भैया मैं तो ये कहूंगा कि कंगना रनावत जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है बॉलीवुड के लोगों के दोगलेपन और हिपोक्रेसी को। इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है कि बगैर जान पहचान के आपको कुछ नहीं मिलता है, आप और अगर आपकी जान पहचान है तो फेफड़े जैसे होंठ वाली अथैया शेट्टी को भी पिक्चर मिल जाती है, और पपी कुत्ता का बच्चा ऐसे सड़ेले डायलॉग बोलने वाली जाह्नवी कपूर को बैक टू बैक फिल्में मिल जाती हैं, जबकि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर जिनको कोई भी डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई प्रोडक्शन हाउस एक या दो सेकंड का रोल भी नहीं देते हैं, जबकि छछुंदर जैसी शक्ल वाले स्टार सन्स स्टार डॉटर्स को तब तक इंजेक्शन दिए जाते हैं एक्टिंग के टैलेंट के जब तक कि वो अच्छा परफॉर्म कर ना दे। सो भैया ऐसे इंडस्ट्री काम करती है, जो बिंदास अपनी बात रखते हैं बगैर किसी डर के उनके खिलाफ, जैसा कि मैंने कहा, एक लॉबी हमेशा खड़ी हो जाती है नीचा दिखाने की। तो गाइज ये था मेरा नजरिया इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर, आपके क्या ख्याल आते हैं इस बारे में, किसको सही मानते हैं किसको गलत मानते हैं बताइएगा कमेंट करके, आपके नजरिए में कौन सही है कौन गलत है। इस नोट के साथ वीडियो खत्म करता हूं, आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने ओपिनियन शेयर कीजिए वीडियो सभी के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए DskTalks। थैंक यू।